नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शर्ट में, स्टॉल में, शॉल में, टॉप में, पुलोवर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तीन फंदा सीधा बना लें, एक, दो, तीन। फिर दो फंदों को एक साथ लें, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालें और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लें। अब उन अपनी ओर करें, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करें और दो फंदों को एक साथ लें, पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालें, फिर दूसरे वाले फंदे में और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लें। फिर पाँच फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, यानी दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर पाँच फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ हमने दो का एक किया, यानी एक फंदा घट गया, इसलिए अब उन अपनी ओर करेंगे। अपनी ओर करने से एक जाली बन जाएगा और अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और बैक साइड से जाली देते हुए दोनों को एक कर लेंगे। यहाँ पे दो का एक किया जाली देते हुए। फिर पांच फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो का एक किया, एक फंदा घट गया, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे। यहाँ पे हम एक फंदा घटा भी रहे हैं और साथ ही साथ एक फंदा बढ़ा भी रहे हैं। उन अपनी ओर करने से एक फंदा बढ़ जाएगा तो, और दो फंदे एक साथ लेने से एक फंदा घट जाएगा, तो एक फंदा बढ़ा भी रहे हैं और एक फंदा घटा भी रहे हैं। दो फंदे को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए सीधा बना लिया। फिर पांच फंदा सीधा, दो, तीन, चार, पांच। दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बनाते हुए, और लास्ट के तीन फंदे सीधे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड दो फंदा सीधा बनाएंगे, दो, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा बनाएंगे, दो का एक कर लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, एक, दो और तीन। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, और फिर तीन फंदा सीधा, दो, तीन। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा
सीधा यानी जाली देते हुए तीन फंदा सीधा। फिर उन्हें अपनी ओर करेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन्हें अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर उन्हें अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदों को एक साथ लेना है, एक सीधा फंदा बनाना है, उन अपनी ओर करना है, पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पांच। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी लाइन अभी तक बाहर की तरफ गई है और अब ये सीधी लाइन अंदर की तरफ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 7वां लाइन है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे यानी यहाँ पे हमें जाली देना है और दो फंदों को एक साथ लेंगे। ये जो सीधी लाइन गई है यही फंदा हमेशा ऊपर रहेगा, पहले वाले में फिर दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे और दोनों को जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। और अब हमको इसे इधर मोड़ना है तो इसलिए ये देखिए ये सीधी लाइन गई है, इसी को इसमें पहले सिलाई डालेंगे फिर दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। और एक फंदा घटा है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और इधर मुड़ना है तो पहले इसमें सिलाई डालेंगे फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, देखिए ये सीधी लाइन वाला फंदा है तो पहले दूसरे वाले फंदे में हम सिलाई डालेंगे, इसी को हमको ऊपर रखना है। फिर अब जाली के लिए उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लिया, पांच फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे, ये लाइन वाला फंदा ही ऊपर रहेगा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे, तीन फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा यानी जाली देते हुए तीन फंदा।
इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहली बार में जाली अंदर की तरफ पड़ रहा था और जब दूसरी ओर टर्न हो रहा है, देखिए अंदर की ओर जा रहा है तो जाली बाहर की ओर पड़ रहा है। बाहर की तरफ ये जब ये सीधी लाइन बाहर की तरफ जा रही थी तो जाली अंदर पड़ा है, और जब ये अंदर की ओर आ रही है तो जाली बाहर की तरफ पड़ा है। ऐसे ही करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड 3 फंदा सीधा, 2, 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक कर लेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उन अपनी ओर करना है, 2 फंदों को एक साथ लेना है और जाली देते हुए 2 का एक करना है, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर लेंगे। देखिए ये जो सीधी लाइन गई है, ये वाला फंदा हमेशा ऊपर रहेगा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदों को जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, उन्हें अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक करेंगे, फिर उन्हें अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 5 फंदा सीधा बनाएंगे। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। 13वीं लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, तो 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।